और कुछ पजामे चोर जो नहाते नहीं ऐसे दिखते। क्या बोल रहे बड़े भाई, गुड मॉर्निंग हो गई। वेलकम बैक टू ब्रांड लोग, होप यू ऑल गुड एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। 11 बजे की ट्यूशन है, अभी हो रहे 10:15। 8:30 का अलार्म लगाया था एक्चुअली उठने का, बट उठे थे अलार्म ऑफ करने के लिए, उसके बाद उठे ही नहीं। फिर 9:30 उठे, ब्लॉग एडिट करने बैठ गए, तो ब्लॉग फाइनली एडिट हो गया, जल्दी हो गया, 45 मिनट्स में हो गया, निपट गया। जो अच्छा है 45 मिनट्स में निपट जाना चाहिए, वैसे 1 घंटा लग जाता है, मैं आलस करते करते ना, बट अभी 45 मिनट्स में निपट गया, दैट्स गुड। मेरे पार्टनर कबूतर एंड कबूतरी आर हियर, बट लगता है इनकी लड़ाई लड़ी हुई है, तभी एक दूसरे से गैप बना के बैठे हुए हैं दोनों। ये अनऑफिशियली वैसे पार्टनर्स हो गए हमारे व्लॉगिंग में, है ना, वरना थे नहीं है। एनुअल वेलकम बैक टू रानी व्लॉग, आई होप यू एनुअल वेलकम बैक टू रानी व्लॉग, आई होप यू गुड एंड हैप्पी। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आजकल तो पंखा चलने लग गया और ये बीट इसके आते रहते हैं, दुड़ुक 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 चलता रहता है, कानों में लगती रहती है पूरी रात, तो इसके वजह से नींद वैसे नहीं आती, मुश्किल से आती है। फिर आज कड़ी रोटी, अरे ब्रेकफास्ट में कड़ी, हाँ। ब्रेकफास्ट में कौन खाता है, खाने वाले खाते हैं, हम ना खाते हैं। पहले चाय पिला दो मेरे को, मेरे हिस्से की चाय मार ली गई है, ऐसा शोर नहीं मचाओ, चाय बन रही है, ठीक है, मेरे को चाय दो, तो बन रही है ना चाय, मिल जाएगी। मेरे हिस्से की 2 बार चाय सुबह से मार चुके हैं लोग। अब तुम बिस्तर में पड़े रहोगे तो कोई जाएगा थोड़ी ना, मेरे से पूछा गया और जब मैंने बोला हाँ पीऊंगा तो उसके बाद से मेरे पास कोई आया नहीं, बस इसमें तो बुड्ढे हो गए, जो तुम्हारे पास जाएगा कोई खुदा होगा, कोई किसी ने बताया भी नहीं कि चाय आ गई, ये भी नहीं बोला। हाँ जी जल्दी दो चाय, जल्दी दो, अच्छा ठीक है चाय दे। चलो भाई खा पी लिया और एकदम फ्रेश हो गए, एकदम अच्छे से रिलायबल हो गए, रिलायबल हो गए एकदम, मतलब स्टैंड आउट होने के लिए अब हम रेडी है, तो हम भी करते ट्यूशन, ट्यूशन जाके थोड़ी देर पढ़ाई करते हैं, फिर ब्रेक लेके फिर घर आएंगे, फिर शाम को एक और बार ट्यूशन जाएंगे, ये रूटीन बिठाना है, जाके जिन में थोड़ी देर पढ़ाई करनी पड़ेगी भाई, तभी पास हो पाएंगे। हर व्लॉग में बोल रहा तभी पास हो पाएंगे अरे हूं ना भाई पास। एक तो मेरे गले को पता नहीं क्या हो गया, मेरी आवाज ही नहीं ज्यादा निकल पा रही है, मैं कितना भी ट्राई करूँ ना फोर्स करने की तो दर्द होने लगता, तो मैं धीरे बोल रहा हूँ, तेज तो बोल पा रहा हूँ, मतलब तेज अंदर स्पीड बोल पा रहा हूँ, लेकिन वैसे टोन वाइज तेज नहीं बोल पा रहा। अच्छा जस्ट रियलाइज्ड होली इज अराउंड द कॉर्नर, अभी मतलब आने ही वाली है कुछ दिनों में, लाइक है अभी क्या बोलते हैं 16-17 दिन है अभी भी, बट लाइक इट्स अराउंड द कॉर्नर। सही है भाई, फिर तो मतलब 1 तारीख से गुब्बारे मारना चालू लोगों को, नहीं 5 तारीख से रखते, 1 तारीख बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा, 5 तारीख छोटे होते हैं तो, जैसी होली से 10 दिन पहले हम चालू करते थे, बट अब होली से 3-4 दिन पहले ही चालू करेंगे सारा सिस्टम। चलो भाई डन विद फर्स्ट राउंड ऑफ द ट्यूशन, मस्त अच्छे खासे साइकोलॉजी पढ़ा बड़ी देर, मतलब खुद से ही क्वेश्चन एक साइट मिल गई वहाँ पे, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन थे, उससे इजी भी था, रिवाइज भी करता रहा उनको लिख लिख के, प्लस कॉन्सेप्ट भी थोड़ा बहुत क्लियर होता रहा तो वो करता रहा। लेकिन यही बात है यार, बस क्वेश्चन के आंसर्स बहुत लंबे लंबे हैं ना, तो अगर वो याद करके एक बार को भूल भी जाऊँगा तो अपने वर्ड्स बनाना एक बार को बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए ना मैं कॉन्सेप्ट अपने वो क्वेश्चन के आंसर्स का क्लियर ही कर लेता हूँ कि इसका ऐसा ये मतलब है, इसका एट द एंड मतलब क्या आ रहा है, मेरे को अगर अपने वर्ड्स में लिखना बाद में तो मेरे लिए थोड़ा इजी पड़ जाए। बड़े भाई सीन ये बैठ रहा था कि हमें डेंटिस्ट के यहाँ निकलना है, अपना ये सेटिंग जो थी आज डेंटल सेटिंग थी उसके लिए, बट अभी मैंने कॉल करके बात करी तो उन्होंने कहा आज नहीं कल आना 4 बजे, तब हम कल जाएंगे, तो आज की जगह कल को होगी क्योंकि आज बंद होता है, टेक्निकली कल था मंडे को बट हम गए नहीं, तो फिर हमें लगा ट्यूजडे को जाना चाहिए, अब ट्यूजडे को बंद है तो हम जाएंगे वेडनेसडे को। गुड गुड वेरी गुड वेरी गुड, फ्री टाइम है ना मेरे पे, इतनी देर पढ़ के आया उतना फ्री टाइम है ना, कुछ करने को ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है घूमने निकल जाओ, बट संडे का प्लान बना रहा हूँ मैं, थोड़ा ऐसी छोटी मोटी आउटिंग मार रहा हूँ सरोजनी तक, मैं गर्वित भैया और ईशान भैया हम मतलब प्लान बना रहे हैं, शायद मैं उनके साथ जाऊँ शायद ना जाऊँ। अगर ये पूरा सारा माल अगर हम ब्लैक में बेचे या नॉर्मल रेट पे बेचे तो बहुत पैसा कमा सकते हैं, एक पेटी से भी। देखा ये बनेंगे एंटरप्रेन्योर, इनका बिजनेस माइंड चल रहा पूरा। सॉरी है दीदी, बड़ा सही सो रही है एकदम, रील है देख देख के तो बहुत सही नींद है यार, मेरे को भी चाहिए। दीदी का फोन है, चल झूठी, मेरी तार तो नहीं मोड़, तार मत मोड़ यार, तुम अपना चार्जर क्यों नहीं लाते हो, मैं आई नहीं थी पता तुझे, तो यहाँ कैसे है फिर, तू कंबल में कैसे बैठी है, तू आई नहीं थी, मेरा कमरा कभी इतना अंधेरा वाला नहीं रहता जितना तुमने कर दिया। गोल्डन आवर बोलते हैं इसे, राइजन शाइन होना होता है, अरे हम नहीं उठते, कितने बजे उठे हो आप, 9:30 मैं कितने बजे उठी हूँ, जब सूरज उठ गया, अरे आँखों में चुभी है मेरे, तुम वेले लोग हो यार, हम काम धंधे वाले लोग हैं, हम रात में लेट सोए काम करके, तुम तो वेले हो, इससे पहले सो गया था, इतने कराटे मारे तूने वंश, मैं 2 बजे सोने गया हूँ फोन देखने के बाद, वंश तेरे कराटों से मैं 3 बजे सोई हूँ, वो जैसी जिसकी सोच उसमें मेरे को क्या, इतनी
जोर जोर से ट्रैक्टर चलाया तूने। ट्रक चलाना बताओ यार, अब अपने घर में खुल के खराटे भी नहीं ले सकता, पहले तो खुद मुंह उठा के आ जाते, उसके जब आप दूसरा खराटे ले तो उसमें दिक्कत है इनको। अजीब लोग, मैन इल मैनर्ड, इल मैनर्ड पीपल वेरी। खींच लिया ये फोन किसका है, है? अच्छा कशिश का, फेंक दे फेंक दे फेंक दे, देख ऐसे ऐसे, देख ऐसे ऐसे लेना और ऐसे फेंक देना, फेंक दे फेंक दे, नहीं फेंक दे फेंक दे, यस फोटो कैसे खींचोगे, कोई नहीं मेरे फोन से खींच लियो, अरे ले फेंक एंड फेंक दे ना, अरे फेंक दे, देख देख ऐसे रखते हैं और ऐसे फेंक देते हैं। गिर गया तो गिर गया, भगवान के पास सीधा फिर। ये देखो आज तो आइकॉनिक मोमेंट हो गया, मम्मा बैठ गई स्कूटी पे, ये सही है, चेहरा बहुत खराब हो रखा है, वैसे कौन सा अच्छा था, पिटूंगा पिटूंगा कोई नहीं, अभी ऑफ कैमरा पिटूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ते हैं। हाँ हाँ, वैसे हम ट्यूशन के लिए निकले थे, मम्मा कॉल आ गया तो इसलिए हम जा रहे, देखो मम्मा की वजह से लेट हो रहा हूँ मैं, वैसे नहीं हो रहा था, मैं टाइम ले जा रहा था। चलो भाई डन, में ट्यूशन अच्छे से हो गई, अब ट्यूशन में तक खाली टाइम अब रह गया ना मेरे पास, क्योंकि डमस से भी नहीं मिल सकते, चैतन्या भी हॉस्पिटल में एक्चुअली एडमिट हो गया, उसकी अपेंडिक्स का कुछ ऑपरेशन होना एकदम से वो हुआ है, अभी दो दिन पहले तक एकदम हंसता खेलता था, एकदम से पता नहीं सडन कुछ हुआ। चलो आई होप वो सही हो जाए। डमस गया हॉस्टल, मतलब अपने स्कूल के हॉस्टल, जो उसका नोएडा में स्कूल है उसमें हॉस्टल भी है, तो वो 3 महीने के लिए वहाँ गए, एग्जाम की प्रिपरेशन सब करना, वीकली आएगा बाहर तभी मिलेंगे। जिम हमें जाना नहीं फॉर द टाइमिंग, सबने मना कर दिया, जिम मम्मा पापा हो नाना नानी जी सबने कहा, तो अब मैं सुन के नहीं जा रहा हूँ जिम, मैंने अभी छोड़ो फॉर द टाइमिंग, वापस कंटिन्यू कर लेंगे फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, तो अभी तक खाली टाइम है ना, कुछ करने को नहीं, और पढ़ाई भी होगी अच्छे से, तो सोचते क्या करें इस खाली टाइम को कैसे यूटिलाइज करें। बहुत सारे लोग कहेंगे पढ़ ले, लेकिन अभी तो पढ़ाऊँ मैं 2 घंटा, तो फिर अब क्या ही पढ़ूँ मैं, गया अभी पकड़ कर पकड़ कर गया अंदर के चाचा, वो चप्पल ले जाएगा, डर के अंदर चला गया, वो भी आ गया प्रसाद लेने नीचे, ओलू इधर आ, ओलू प्रसाद भाई, पंकज भैया जो है अगर आपको पता हो, हमारे यहाँ जो है मतलब मम्मा पापा के साथ जो काम करते हैं, उनकी ना बाइक की चाबी हमारे जो दूसरे मम्मा पापा की कंपनी के वो है क्या बोलते हैं एम्प्लॉय, वो ले आए, अब वो है चांदनी चौक, अब इस समय याद तो वंशगई आएगा देने के लिए, तो अब वंशगई जा रहा है पुरानी दिल्ली भगा के, अब स्कूटी बस चाबी आ जाए तो चाबी देने जाऊंगा पुरानी दिल्ली बस, फटाफट जाता हूँ और चाबी दे के आता हूँ, इसी बहाने दिल्ली राइड भी हो गई गाइस, ये भी सही है, थोड़ा फ्री बैठे होते कुछ कर ही आए, कुछ खा भी आएंगे दिल्ली में और क्या। भाई हम नहीं गए, घर ही आ गए, वो पंकज भैया की बाइक कैसे कैसे चालू हो गई थी, तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हमारा क्या लॉस, हम जब गए नहीं तो बैठते चिल करते और क्या। बड़े भाई मैं यही कह रहा हूँ, अगर ये सारा सामान हम वैसे रेडीमेड बास्केट बेचने लगे तो बहुत प्रॉफिट है इसमें, देखो जो पूरा पूरा स्टॉक रखा पूरा पूरा, मैं तो कह रहा हूँ इसका बिजनेस खोल के बैठ जाता हूँ, आता रहेगा फुल पावर बिजनेस माइंडसेट एकदम। यहाँ जो बैठे हुए कमरे में कितने लोग है, 3, 3, 6, 4, मम्मा 100% इक्विटी 6 लोगों में बांटना, 7 लोगों में कितनी जा रही है, एक अंदर सो रही है, 8 लोगों में बटरी, मेरे तो इनटेक में थोड़ी ज्यादा रहेगी, क्यों भाई 20% मेरी, बाकी 10-10% सबकी। चलो बैठ के मैंने निगरानी रखी, चौकीदारी करी पूरी इसकी, पंचायत करी, ब्लॉक कर रहा हूँ मैं, और कुछ पजामे चोर जो नहाते नहीं ऐसे दिखते, ये चकल पजामे चोर नहीं तो नहीं है, तू सच बोल, भगवान से डर जो कैसे कैसे डर जाती है, सहम जाती है एकदम से, पापा की बातों से लग रहा है इनको ये कराना इवेंट एकदम फ्री माइंडेड से, और अरे अरे अरे